झारखंड के जिला सिमडेगा के बानो के एसएस हाई स्कूल के सभागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक सिमडेगा ने बानो प्रखंड में गुरु गोष्ठी की अध्यक्षता की। वहीं बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक उपस्थित हुए। वहीं ऑनलाइन वर्ग कक्षा संचालन में बानो प्रखंड जिले में पिछले पायदान पर है। इसमें सभी शिक्षक रुचि लेकर बढ़िया प्रदर्शन कर एक सप्ताह के अंदर स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया। वहीं एसडीएमआईएस का कार्य दो दिनों में पूर्ण करने तथा इसमें किसी तरह की कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुस्तक वितरण संबंधित डेटा ई विद्यावाहिनी पोर्टल में 100% एंट्री करने तथा डीजी स्कूल ऐप में सभी छात्र छात्राओं को पंजीकरण करने का निर्देश दिया। वहीं सभी प्रतिवेदन समय पर कार्यालय में जमा करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले प्रधानाध्यापकों को स्पष्टीकरण करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बानो को दिया। साथ ही सभी शिक्षकों को पुष्टिकरण लिंक निश्चित रूप से भरने का निर्देश दिया गया। वहीं साप्ताहिक क्विज में बानो प्रखंड की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत खराब है। एक सप्ताह के अंदर स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया गया। वहीं विद्यालय से बाहर के बच्चों को दो दिनों के अंदर पोर्टल में एंट्री करने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह, नीरज बड़ाइक सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, विनोद कुमार क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बानो इसहाक अंसारी, बीपीओ मनमोहन गोस्वामी, ब्रजमोहन पाल, घनश्याम साहू, दीपक कुमार साहू, खुशबू कुमारी, स्मित कुमार सोनी, केदारनाथ सिंह, भगत नारायण साहू, ओम प्रकाश ओहदार, मनोज कुमार यादव, वरुण कुमार, हीरालाल साहू, हरि मोहन बड़ाइक, राम स्वरूप महतो, प्रेम किशोर नायक आदि लोग उपस्थित रहे। आज की गोष्ठी का ये उद्देश्य था कि एक तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का हम लोगों का विजिट था और वहाँ पर एक जांच कमेटी बनाई गई है, उसकी जांच करनी थी। तो उसमें हमारे कुछ स्टाफ लगे हुए हैं, तो हमारे बीआरसी के जो स्टाफ हैं उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी सर, इसमें ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं उसकी स्थिति थोड़ा पुअर है, तो उसके बारे में कभी ये करना था। और दूसरी चीज़ की डीजी साथ वगैरह के संबंध में भी कुछ प्रकाश डालना था, तो इस संबंध में हमने शिक्षकों को बताया और शिक्षकों का कोऑपरेशन मिल रहा है, हमारे टीचर्स भी लगे हुए हैं। राशि को ट्रांसफर करके जीरो करना है, फिर स्टेट को भेजना है, ये सारे एजेंडा पर हमने प्रकाश डाला और सारे लोग कोविड के नियम का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बहुत शॉर्ट मीटिंग में ये हमने प्रकाश डाला और मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षक ये काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अखंड भारत न्यूज के लिए सुरेंद्र बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा।